Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 11th स्टैंडर्ड की पूरी ओसीएम खत्म कर दी है आपके लिए. और एक सरप्राइज है कि अब मैं 12th स्टैंडर्ड का भी पूरा ओसीएम आपके लिए लेके आ रहा हूँ थ्रू ईकीड़ा. ईकीड़ा आपको पूरा का पूरा 12th स्टैंडर्ड का भी ओसीएम प्रोवाइड करके देगा और वो मैं खुद पर्सनली लेने वाला हूँ. यस, आज हम देखने वाले हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. उसमें आज हम देखने वाले व्हाट आर दी वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कौन से फॉर्म्स है जिसमें एक बिजनेसमैन बिजनेस कर सकता है, वो देखने वाले हम आज के वीडियो में. यस, आपको 11th स्टैंडर्ड का अगर ओसीएम याद हो, अपने ही वीडियो में आपने एक बार देखा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसमें हमने देखा था what do you mean by departmental undertaking, what do you mean by statutory corporations, and what do you mean by company, government companies. ये हमने देखा था public sector enterprises अलग से और बहुत ही ज्यादा detail में देखा था. yes, ये chapter में हम detail में देखने वाले हैं private sector undertakings. there are two broad categories of forms of business organization. एक है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग. आई एम नॉट सेइंग प्राइवेट कंपनीज, हाँ दिमाग में ये डालो, प्राइवेट कंपनी एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही अलग अलग चीज है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग. उसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चलो हम एक एक बात करेंगे. और ये आप देखने जाओगे तो एक स्टोरी के फॉर्म में बात करते हैं. चलो सबसे पहले, जब भी बहुत पहले इंसान मानव युग का शुरुआत हुआ था, तब लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, खुद ही अकेले बिजनेस कर लेते थे. तभी आया आपका सोल प्रोप्राइटरशिप. समझ रहा है, इंसान एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते नहीं थे, खुद ही खुद का बिजनेस करते थे और खुद ही खुद का गुजारा करते थे. दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप. अकेला बिजनेसमैन जो खुद ही कैपिटल डालता है, खुद ही खुद का प्रॉफिट कमाता है, अगर लॉस हुआ रहेगा तो लॉस झेलता है, खुद ही सारे डिसीजन मेकिंग लेता है. समझ रहा है, दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप. जब भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है ना, जब भी हम मिडिल क्लास का बात करेंगे, जब एक मिडिल क्लास बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, वो जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप से ही चालू करता है, क्योंकि लिमिटेड कैपिटल होता है, लिमिटेड इंसान है जो मैनेज करने वाला बिजनेस. डिसीजन मेकर तो एक ही है, फिर भी दैट सोल प्रोप्राइटर. प्रॉफिट डिसीजन मेकर्स को बढ़ाने नहीं होते हैं, एक ही रखा हुआ रहता है, एंड दैट इज सोल प्रोप्राइटर. एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे देखो, अगर मेन फीचर्स आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, दैट इज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सब आगे देखेंगे. हर एक का हम लोग आगे डिटेल वर्जन देखने वाले. अभी मैं आपको समझा दूं, इन शॉर्ट सोल प्रोप्राइटरशिप आया था जहां पे अकेला बंदा होता है जो बिजनेस का डिसीजन मेकिंग लेता है, अकेला बंदा होता है जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है. कैपिटल तो अभी तुम लोगों को समझता ही होगा, अकाउंट्स में डिटेल में आपने 11th में भी देखा था, 12th में भी देख रहे रहोगे. यस, दैट इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप, जो अकेला खुद ही कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है और अकेला खुद ही प्रॉफिट हो या लॉस हो बेयर करता है या गेन करता है. धीरे धीरे आपका समझो, अभी बिजनेस का बाउंड्रीज बढ़ रहा है, अभी आपको बिजनेस बड़ा करना है, तो क्या अकेला इंसान पूरा का पूरा बिजनेस संभाल पाएगा? पॉइंट नंबर वन, क्या आप अकेले का ही कैपिटल इतना सफिशियंट होगा कि आप पूरा का पूरा बिजनेस को स्पॉन्सर कर पाओ, पूरा का पूरा बिजनेस हैंडल कर पाओ, इतना क्या आपका कैपिटल सफिशियंट होगा? समझ रहे, क्या आपका मैन पावर इतना बढ़ेगा आप अकेले सोल प्रोप्राइटर रहोगे तो? नहीं. डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज आप एक ही इंसान का, मतलब दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप का ही आप यूज कर रहे हो, सोल प्रोप्राइटर का ही यूज कर रहे हो, यहाँ पे एक ही दिमाग लग रहा है. समझ रहे, अगर ज्यादा दिमाग लगते तो डिसीजन मेकिंग और ज्यादा बेहतर हो सकता है. सारे पॉइंट को सम अप करके एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आया है, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप. समझ रहा है, पार्टनरशिप में क्या हो गया, यहां पे दो या दो से ज्यादा लोग काम करते हैं. देखो आपका मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज बढ़ गया, डिसीजन मेकिंग दो माइंड लेते हैं, पहले जो एक ही दिमाग सोच रहा था अभी वो नहीं, तो दो या दो से ज्यादा दिमाग सोच रहा है. समझ रहा है, कैपिटल जो पहले एक ही आता था, अभी वो दो जन से कैपिटल आ रहा है, मतलब कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है. समझ रहा है, तो ये सारे के सारे मेन फीचर्स हैं. लोग बढ़ गए तो उसकी वजह से क्या होगा,
कैपेबिलिटीज बढ़ गया, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज बढ़ गया, डिसीजन मेकिंग पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, कैपिटल और ज्यादा इंट्रोड्यूस हो गया, बट ईच एंड एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो देखो ये सब होने के साथ और क्या हो गया, डिस्प्यूट बढ़ने का चांसेस भी हो गया, पार्टनर एक दूसरे के साथ अग्री ना भी हो, प्रॉफिट जो पहले अकेले ही खाता था अभी वो शेयर करना पड़ेगा, समझ रहा है? ईच एंड एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो इसके भी कुछ ना कुछ डीमेरिट्स है, हम लोग आगे कुछ देखेंगे। यस, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अलग से कोई एक्ट नहीं है, पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। ये एक्ट होना मतलब क्या, उसके पीछे कुछ ना कुछ गवर्निंग लॉ है, जो लॉ के साथ वो पार्टनरशिप को काम करना पड़ेगा, ठीक है? देखेंगे हम लोग आगे, देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, ये सारी चीजें हम आगे के सिलेबस में, आगे के वीडियोस में देखेंगे। पार्टनरशिप इज अ थर्ड, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच में ना फैमिली, फैमिली भी अपना बिजनेस चालू करने लग गया, एक ही फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स एक ही बिजनेस में लग गए थे, समझ रहे? देखो पार्टनरशिप में बिजनेस करना और ज्वाइंट हिंदू फैमिली, फैमिली में बिजनेस करना, उसका नाम क्या है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कहीं कहीं पे इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं। यस, तो JHF या HUF, दैट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली। देखो पार्टनरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में बिजनेस करने में ज्यादा फर्क नहीं है, देखो फर्क सिर्फ यही बात का है, पार्टनरशिप में हो सकता है अननोन लोग भी हो जो आपके फैमिली मेंबर नहीं है, जबकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में आपके ब्लड रिलेशन वाले ही आते हैं, ब्लड रिलेटिव्स के बाहर वाले लोग इसमें आते ही नहीं है, भरोसे का लेवल यहाँ पे ज्यादा होता है, समझ रहा है क्या? कि फैमिली मेंबर एक दूसरे के साथ काम कर रहे तो चीजें और ही ज्यादा सॉर्टेड होगी, सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, सब लोग एक दूसरे का केयर करते हैं, सब लोग एक दूसरे के बिजनेस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें यहाँ पे भरोसे का लेवल ज्यादा है। बट देखो अगेन, अभी कुछ उल्टा सीधा हो गया तो भाई भाई में तकरारें आ सकती है, समझ रहे? फैमिली मेंबर में ही दरारें आ सकते हैं, इसके लिए लोग फिर पार्टनरशिप में गए, घर को घर ही रखे और बिजनेस को बिजनेस ही रखे, इसके लिए दोनों चीजों को अलग किया जाए, उसके लिए लोग पार्टनरशिप में आ गए ताकि घर पे बिजनेस के झगड़े ना हो। यस, फिर अभी पार्टनरशिप में भी क्या होने लग गया ना, कैपिटल भी लाओ, इतना मेहनत भी करो, फिर भी आप थोड़े तो छोटे ही रह जाते हो कहीं ना कहीं, समझो ना। पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स का लिमिट है 20 पार्टनर्स। अभी मैं बात करूं तो समझो ना, एक बिजनेसमैन है, समझो ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र का जो भी बिजनेस है वो संभाल सकता है, एक स्टेट का बिजनेस संभाल सकता है, ही कांट हैंडल द होल नेशन का बिजनेस, समझ रहा है? तो पार्टनरशिप में भी क्या होने लग गया, बीसी पार्टनर अलाउड है, ज्यादा से ज्यादा इंडिया में बिजनेस कर सकता था। वॉट इफ ही वॉन्ट्स टू गो फॉर MNC, What if he wants to spread his business to the global level? तो क्या है, partnership sufficient है? Answer is absolutely no. ऐसे 20 partners से आप पूरा global business, चलो खोल भी लो तो भी manage करना is very stressful. इसके लिए एक नया form of business का आगाज हुआ and that is called as joint stock company. अभी एक नया ही type का business आ गया जहाँ पे एक तो सबसे main feature separation of management and ownership. अभी क्या हो गया पता है, देखो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या हुआ करता था, जॉइंट हिंदू फैमिली में भी मैनेज भी वही करते थे जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते थे, मींस ओनर्स एंड मैनेजर्स बोथ आर सेम, वेयर एज इन जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसको लोग कंपनी भी बोलते हैं एंड दैट इज ओके, अगर आप कंपनी भी बोलोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी में क्या होने लग गया, शेयर प्रोवाइड करने वाला, आपको कैपिटल प्रोवाइड करने वाला इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स, और जो मैनेज करता है उसको बोलते हैं मैनेजर्स, एंड बोथ आर डिफरेंट, मैनेजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स पैसा डालते हैं बट दे डोंट इंटरफियर इन डे टू डे एक्टिविटी ऑफ मैनेजर, उनका काम क्या पता है, आज समझो 1000 रुपए डाला, कल 1200 हो गया तो खुद 200 रुपए का प्रॉफिट निकाल के निकल जाएंगे, उनका काम डे टू डे एक्टिविटी में नहीं है। आपके भी देखो फैमिली मेंबर्स में कोई डैड, ब्रदर, मॉम या कोई भी सिस्टर है, जो भी है, देखो कहीं ना कहीं आपको शेयर मार्केट में डीलिंग करते रहेंगे, ना भी करते रहेंगे तो भी आपको नॉलेज रहेगा, तो शेयर्स देखो सेकेंडरी मार्केट से मिलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारा ऑनलाइन ट्रेडिंग, सुना होगा कभी टीवी में CNBC देखना, CNBC TV18, ये सब आपको शेयर्स का नॉलेज देगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, शेयर्स डालने वाले आप हो,
पर क्या आप जाके देखते हो, समझो आपने रिलायंस का एक शेयर ले लिया, आप क्या रिलायंस में जाके डिसीजन मेकिंग करते हो क्या, रिलायंस में ये होना चाहिए वो होना चाहिए? नहीं, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर जॉब. यू आर जस्ट अ शेयर होल्डर. You are contributing the capital to the company. You are not the decision maker. You are not the manager. समझ रहा है? जबकि manager होगा, वो क्या करता है? वो share वेयर में नहीं लेता, वो सिर्फ company को जो shareholder से पैसे आए हैं, उसको क्या करता है? वो utilize करता है ना proper manner. समझ रहा है? ये part है आपका joint stock company का. सबसे main feature is there is a separation between ownership and management. यहाँ पे लायबिलिटी भी लिमिटेड हो जाएगी. देखेंगे हम लोग आगे कैसा कैसा कैसा. आपको अभी शायद कंफ्यूजन होगा, सर लायबिलिटी लिमिटेड कैसे होगी और सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड कैसे होगी? सारी चीज हम आगे देखेंगे. यस, और जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ और एक कंपनी का और एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आगाज हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटी. व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी? यहाँ पे इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स. यहाँ पे क्या होता है, वॉलंटरीली कुछ ना कुछ मेंबर आगे आते हैं और बोलते हैं कि चलो ना ये बिजनेस करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करके. अगेन बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं. दे वर्क फॉर प्रॉफिट, समझ रहे हो? बट जो भी प्रॉफिट आता है वो मेंबर्स खुद में ही बांट लेते हैं, बाहर नहीं जाता, खुद में ही बांट लेते हैं. एंड दैट इज नथिंग बट कोऑपरेटिव सोसाइटी. वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और इंडिविजुअल्स कम टूगेदर to achieve the common purpose and they distribute their profits among themselves only. बाहर utilize नहीं होता, members अपने आप में ही फायदा उसका distribute कर लेते हैं. These are the private sector undertakings. सबसे पहला था sole proprietorship, अकेला बंदा. उसके बाद आया partnership, दो या दो से ज्यादा बंदे, but maximum up to 20%. और एक उसमें चीज है, अगर banking business कर रहा है तो only 10% is the maximum limit. उसके उसके बीच में, ये दोनों के बीच में, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में क्या था? जॉइंट इन द फैमिली, जहां पे फैमिली मेंबर्स मिलके एक ही बिजनेस करते हैं, दे आर इन्वॉल्वड इन द सेम बिजनेस एज फैमिली. उसके बाद आया क्या, जॉइंट स्टॉक कंपनी. यहाँ पे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आगाज हुआ, जहां पे एम्पल ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, कभी कभी नंबर्स इन लैक्स और करोड़ शेयर होल्डर्स होते हैं. समझ रहे? ये था आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी. And last but not the least, cooperative society. These are nothing but different form of organization in private sector undertaking. What do you mean by public sector undertaking? देखो ये एक main चीज संभालना. Joint stock company है ना, जो private sector undertaking का part है, उसमें दो type के company होते हैं mainly. Public company and private company. क्या बोला मैं? Public company and private company means it is different public sector. Is different from public company. Public sector undertaking अलग है, public company अलग है. Private sector अलग है, private sector undertaking अलग है, private company अलग है. ये ध्यान में रखना. Private companies and public companies both are part of joint stock company and that's why both are part of private sector undertaking. इसको क्यों private sector undertaking बोलते हैं? Because some person privately hold it. Government का involvement ही नहीं है. इसके लिए इट इज कॉल्ड एज प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग. रिलायंस, रिलायंस किसका है? अंबानी का है. एंड अंबानी इज नॉट द गवर्नमेंट. टाटा, टाटा कौन है? प्राइवेट पर्सन है. दे आर नॉट द गवर्नमेंट. दे आर हैविंग पब्लिक कंपनी बट दे आर नॉट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. दे आर प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग और उसमें भी क्या है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है. यस, एंड नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब क्या? उसमें गवर्नमेंट का मेजर रोल है. उसमें किसका मेजर रोल है? गवर्नमेंट का. समझ रहा है? या तो उसको कोई मिनिस्ट्री संभाल रहा है, विच इज नथिंग बट गवर्नमेंट, या तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो यूनियन टेरिटरीज के कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गवर्नमेंट संभाल रहा है. समझ रहा है? उसके तीन पार्ट है जो हमने 11th स्टैंडर्ड में देख लिए थे. सबसे पहला था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, उसके बाद था स्टेटरी कॉर्पोरेशंस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गवर्नमेंट कंपनीज. जनरली पहले दो का होता है सर्विस मोटिव एंड तीसरे का होता है बिजनेस मोटिव. यस, सो दीज आर द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. प्लीज आप ध्यान से ये वाला चीज पढ़ लेना, क्योंकि आगे के नहीं तो 30 स्लाइड्स होंगे, अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 वीडियोस होंगे जो फर्स्ट चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर का बेस है ये स्लाइड. डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आप प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में देखा, क्या क्या है, चलो मेरे साथ रिपीट करो. 5 है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसके बाद था पार्टनरशिप,
ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर दो पार्ट, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये पांचों का डिटेल डिस्क्रिप्शन आएगा, उसके फीचर्स आएंगे, उसके मेरिट्स आएंगे, उसके डीमेरिट्स आएंगे, ये सारी चीजें हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं। यस, सो होपफुली माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एकदम परफेक्टली समझा होगा। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब ईकिडा चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। थैंक यू।